नाम है आपका? बाबू वेद प्रकाश वर्मा। वेद प्रकाश वर्मा बताइए, किस मांग को ले हुए थे? अलवर सम न्यायालय के अंदर हमारे केस चल रहे थे, तो सम न्यायालय ने फैसला दे दिया 16 के अंदर, कुछ का 17 के अंदर दिया 2017 में। तो उसका जो अवार्ड हुआ था, आज 5 साल होने जा रहे हैं, उसकी पालना नहीं हुई। हम प्रशासन से, सरकार से कहते कहते लिख के देते थक गए, आज कराएंगे कल कराएंगे, हुआ नहीं। एक आदमी का करा दिया हमारे में से, जो आदमी जितने भी अवार्ड थे उसमें से एक आदमी का कराया है, तो वो भी कुछ समय के लिए, क्या वो महीना डेढ़ महीना पूरे परिवार समेत मरण अनशन पे बैठा। उसके बाद उन्हें कहा मैं तो मरूंगा अगर पैसा नहीं दिलाते, तब सरकार ने चेती और उसको पैसा दिलाया और किसी को नहीं दिलाया। कौन सी कंपनी में थे आप? मॉडर्न शूटिंग के अंदर जो है कंपनी थी। अब इस कंपनी को सत्यदेव मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बम्बई ने खरीदा है, और उसको जो है जितनी 112 बीघे जमीन थी उसको जो है रिको से NOC लेके UIT से चेंज करवा लिया उसको इंडस्ट्रियल से आवासीय में। अब जो है मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत उसको जो है प्लाट फ्लैट कमर्शियल ये सारी काम कर रहा है। कितना पैसा है आपका? हमारा तो 5,09% ब्याज है। कितने कर्मचारी हो आप? हम जो है कर्मचारी तो हैं करीब 41 और 5, 40, 50 के करीब। तो अभी किसी को भी नहीं मिला? एक आदमी को मिला है, निरंजन सिंह को, और अभी नहीं मिला, और वो भी लेबर डिपार्टमेंट शो नहीं करना चाहता है। तो अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी तो हमें शहीद स्मारक पे जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब क्या मान लिया आप कि इसे इसकी पालना हो? आपको कोर्ट का जो अवार्ड हुआ है, प्रशासन सरकार इसकी पालना कराए। कोर्ट का अवार्ड कौन नहीं दे रहा है? कोर्ट की अवार्ड की पालना सरकार ने करानी है, प्रशासन कराएगा, लेबर डिपार्टमेंट और जिम्मेदारी से समझ नहीं रहे। हो गया।